हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर से टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक आध क्वेश्चन इससे आपको मिलता है। 10 मिनट में इसको खत्म करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एज स्टेटेड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन 99% ऑफ बेस सीक्वेंसेज अमंग ह्यूमंस इज द सेम। तो 99.9% जो बेस पेयर सीक्वेंस है किसी के जेनेटिक मटेरियल में, मानिए एक इंडिविजुअल है ए, एक इंडिविजुअल है बी, तो 99.9% बेस सीक्वेंस डीएनए में सेम होगी। केवल 0.1% डिफरेंस मिलेगा। यही 0.1% बेस सीक्वेंस का जो डिफरेंस है उसकी वजह से ये बंदा, इसकी जो इंडिविजुअलिटी है राम प्रकाश जी, और ये बंदा श्याम स्वरूप जी, ये बंदे एक दूसरे से अलग हैं। ये केवल 0.1% बेस सीक्वेंस के कारण। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एस 3×10⁻⁹ बेस पेयर, हाउ मैनी बेस सीक्वेंसेज वुड बी डिफरेंस। तो कितनी बेस सीक्वेंस डिफरेंस मिलेगी? 3×10⁻⁷ बेस सीक्वेंस जो है, बेस पेयर जो है वो उसमें डिफरेंस है केवल। रेस्ट ऑफ द अमाउंट में आप देखेंगे बेस सीक्वेंसेज सेम है। इट इज़ दिस डिफरेंसेज इन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक वेरी एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपीयरेंस। और यही जो 0.1% डिफरेंस मिल रहा है उसकी वजह से एक बंदा दूसरे से अलग आपको दिखाई देता है, उसके करेक्टर अलग होते हैं। इफ़ वन एम्स टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, सिक्वेंसिंग द डीएनए वेरी एवरी टाइम वुड बी अ डॉन्टिंग एंड एक्सपेंसिव टास्क। अब अगर हम जेनेटिक डिफरेंस देखना चाहेंगे दो इंडिविजुअल के बीच में, तो अगर पूरे के पूरे हम जीनोम की मैपिंग करेंगे तो ये बड़ा अपने आप में खर्चीला और समय के दुरू टास्क होगा। तो हमें क्या करना है कि यही 0.1% जो बेस सीक्वेंस डिफरेंस मिल रही है, जो डिफरेंस है, हमें उस एरिया को टारगेट करना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। और ये जो 0.1% आपको बेस सीक्वेंस डिफरेंस मिल रहा है, मेनली आपको कहाँ पे मिल रहा है? रिपीटेटिव डीएनए में मिल रहा है। बिकॉज इन दिस सीक्वेंसेज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम। और इसको रिपीटेटिव डीएनए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि ये रिपीटेटिव डीएनए इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें आपको बार बार रिपीटेशन एक छोटे स्ट्रेच का देखने को मिलेगा, जैसे ATCG, 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 बार बार एक ही सीक्वेंस की आपको रिपीटेशन देखने को मिलेगी। दिस रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। आपने सेल से डीएनए निकाला, उसका डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, तो दो इस तरह से आपको पीक दिखाई देंगी। ये आपका बल्क जीनोमिक डीएनए है और ये आपका रिपीटेटिव डीएनए एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, आपके डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे तो दो डिफरेंट पीक आपको दिखाई देंगे। ठीक है जी। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर पीक्स एंड स्मॉल पीक्स आर रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए। ये जो दूसरी पीक बन गई, चोटी बन गई, एक तो मेजर चोटी बन गई बल्क जीनोमिक डीएनए, ये जो दूसरी आपको चोटी देखने को मिल रही है उसको हम बोलेंगे सैटेलाइट डीएनए। डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन, अब इसमें एटी रिच है कि सीजी रिच है, लेंथ ऑफ सेगमेंट कि आपका ATCG, ATCG, इस तरह से लेंथ कितनी है सेगमेंट की, कितने बेस के सीक्वेंस है जो बार बार रिपीट हो रही है, एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स, और कितनी बार रिपीट हुई है। ये तीन बातों पे डिपेंड करके हम लोग सैटेलाइट डीएनए की अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। द सैटेलाइट डीएनए क्लासिफाइड इन टू मेटिक कैटेगरी सच एज माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। ठीक है जी, आगे बात समझ में। दिस सीक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, और ये सीक्वेंसेज जो है रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं कर रही, मतलब कोई फंक्शनल जीन का हिस्सा नहीं। ठीक है जी, दिस रिपीटेटिव डीएनए ये जो कोड नहीं कर रही है किसी प्रोटीन के लिए। आगे चलते हैं। बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लेकिन ह्यूमन जीनोम का काफ़ी बड़ा भाग बनाती है। दिस सीक्वेंस फिंगरप्रिंटिंग का बेस बना रहा है। बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन। अब किसी भी बंदे की जो भी सेल्स हैं, सभी सेल्स में एक का आपको जेनेटिक मटीरियल देखने को मिलेगा, मतलब आपको डीएनए प्रिंटिंग, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म ही आधार है जेनेटिक मैपिंग का ह्यूमन जीनोम के। जब ह्यूमन जीनोम की जेनेटिक मैपिंग करी गई और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंसेस में जो पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल रहा है वो जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम का आधार है, साथ के साथ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसी पर आधारित होती है। इट इज़ एसेंशियल दैट वी अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स। तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हम समझते हैं कि क्या। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम लोग कहना चाहें तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल।
एराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। जेनेटिक लेवल पर जो आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, एक ही जीन के एक से ज़्यादा एलील, वही है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी, म्यूटेशन के कारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक, न्यू म्यूटेशन में अराइज, और म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन है सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो म्यूटेशन में हो सकता है सोमेटिक सेल में, हो सकता है जर्म सेल में, हो सकता है सोमेटिक सेल का जो म्यूटेशन होता है वो इनहेरिटेबल नहीं होता, जर्म सेल का म्यूटेशन इनहेरिटेबल होता है। लेकिन अगर जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ और उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इफेक्ट हो गई किसकी, इंडिविजुअल की, तो उसका इनहेरिटेंस नहीं होगा। इसलिए जर्म सेल में जो म्यूटेशन हुआ और उसने उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को अगर उसने हार्म नहीं किया, तो ये म्यूटेशन का इनहेरिटेंस होगा और ह्यूमन पॉपुलेशन में इसकी अकरेंस बढ़ेगी। ठीक है जी, तो यही यहाँ पे इसने बोला है। देखिए, जर्म सेल में म्यूटेशन हुआ, इफ द जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफ स्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू पॉपुलेशन। ठीक, तो पॉपुलेशन में अकरेंस बढ़ती चली जाएगी। एलील, एलील क्या है जी, एलील है स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन है स्टैटिस्टिकली बीन डिस्क्राइब्ड बाय डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखिए, कोई जीन है आई, उसका आई ए एक एलील, आई बी दूसरा एलील और आई सी तीसरा एलील। अब इसकी अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर इसकी अकरेंस 0.01 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म का केस हो गया। ठीक है, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0.01 से कम है तो हम नहीं उसको पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पे कंसीडर करेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं द नंबर ऑफ टाइम दैट एलील अपीयर इन दैट पॉपुलेशन। मानिए 100 बंदों की पॉपुलेशन है तो 200 बार ये जीन उस पॉपुलेशन में आया, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। 200 बार अपीयरेंस हुई है पर्टिकुलर जीन की, और इस एलील की अपीयरेंस कितनी बार हुई है, 2 बार, तो 2 / 200 ये हो जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ टाइम दैट एलील अपीयर इन दैट पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टाइम दैट पर्टिकुलर जीन अपीयर इन दैट पॉपुलेशन। तो ये आप निकाल सकते हैं किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी। अगर ये एलील की फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज़्यादा हो गई तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, एक से ज़्यादा वेरिएंट मिलने पे। तीसरा वेरिएंट बन गया तो चौथा बन गया, पांचवा बन गया, म्यूटेशन से बनते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दिस सीक्वेंस मे नॉट हैव इमीडिएट इफेक्ट। तो इनकी प्रोबेबिलिटी, इस तरह के म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी पॉलीमॉर्फिज्म की उस डीएनए सीक्वेंस में ज़्यादा देखने को मिलती है जो किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे, क्योंकि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस म्यूटेशन कीप ऑन एक्युमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और इस तरह से म्यूटेशन ये जो हो गया नया बन गया वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इकट्ठा होता चला जाएगा इसमें भाई ह्यूमन पॉपुलेशन में। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशन टू बी ऑब्जर्व इन नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस हायर है, दिस म्यूटेशन कीप ऑन एक्युमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि वो इफेक्ट नहीं हुआ, अगेन इनहेरिटेंस होता चला जाएगा, अपीयरेंस बढ़ती चली जाएगी एंड फॉर्म वन ऑफ द बेसिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, अलग अलग तरह के पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल सकते हैं। सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज वेरी लार्ज स्केल, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज वो भी म्यूटेशन है, वेरी लार्ज स्केल चेंज वो भी म्यूटेशन है। फ्रॉम इवोल्यूशन और स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इवोल्यूशन में स्पेसिएशन में इनका इंपॉर्टेंट रोल है, आगे चलता हूँ, याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेप, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक किसने डेवलप करी, एलेक जेफरी ने। ही यूज अ सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब, सैटेलाइट डीएनए को एज अ प्रोब इस्तेमाल करते हुए उन्होंने हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म को टारगेट किया, ये दिखाया कि हाई डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है सैटेलाइट डीएनए से। इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और ये सैटेलाइट डीएनए को उन्होंने वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट बोला। टेक्निक में, इसमें टेक्निक में हम क्या करेंगे, टेक्निक एज यूज अर्लियर इन्वॉल्व सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हम लोग रेडियो लेबल्ड VNTR यूज़ करेंगे एज अ प्रूफ। ठीक है जी, तो ये प्रोब क्या होता है, मेरी अलग वीडियो है उसमें देखिएगा, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होती है अलग से डेडिकेटेड वीडियो है उसको देखिएगा। यहाँ पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर रहे हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम लोग सदर्न ब्लॉटिंग करते हैं, और सदर्न ब्लॉटिंग में हम लोग रेडियो लेबल्ड VNTR का इस्तेमाल कर रहे हैं। VNTR क्या, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट। सबसे पहले आप आइसोलेशन डीएनए करेंगे, उसके बाद डाइजेशन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से करेंगे, उसके बाद सेपरेशन कर लेंगे जो टुकड़े हो गए, उसके बाद आप उसको सेलुलोज मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर देंगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, और फाइनली अब आप उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद डिटेक्शन करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, सेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है जी, ये हो गए इसके स्टेप, और इस तरह से आपको डिफरेंट साइज के बैंड देखने को मिलेंगे, डिपेंड करता है कितनी बार वो सीक्वेंस रिपीट हुई। और बैंड से आप देखेंगे कि बैंड का जो पैटर्न है वो इंडिविजुअल में स्पेसिफिक होता है, बैंड पैटर्न को आप कंपेयर करके जान जाएंगे कि वो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल उस बंदे का है कि नहीं। बस इतनी बातें आपने ध्यान में रखनी है, और ये वाली जो 2-4 बातें हैं इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सेवा समाप्त। जय बाबा।